माँ सरस्वती और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और पढ़ने पढ़ाने में जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिखने में जितना आसान है उतना ही ये मुश्किल हो जाता है जब बच्चों को इसके रूल्स रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है और इतनी आसान और इतनी सहजता से हम सीखेंगे कि बिल्कुल रट्टा हट जाएगा हमारी लाइफ से। ग्रामर में कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे। आइए बढ़ते हैं कदम सफलता की ओर। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। देखो, सेंटेंस के बारे में हमने दो बातें जानी। क्या? एक तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, और दूसरा हमने जाना कि मीनिंगफुल जो है वर्ड्स भले ही हो, ठीक है, लेकिन अगर उनमें अरेंजमेंट नहीं है तो वो एक सेंटेंस नहीं बन सकता। तो दूसरा हमने जाना कि सेंटेंस में होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कैसे? देखो, एक कहा कि पेन इज ए दिस, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया पेन इज ए दिस। देखने में तो सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। पेन मीन्स पेन लिखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इज है ए एक, और दिस मतलब यह है। लेकिन अगर इसको एक अरेंजमेंट में देखते हैं तो इसका सही सेंटेंस बनता है दिस इज ए पेन। तो ये होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के आधार पर ही हमारा एक वर्ड मिलता है जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के आधार पर ही हमें पता चला कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तीन बातें होती हैं। क्या क्या? एक होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है वर्ब, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। वर्ब चाहिए यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब है, चाहे सिर्फ आपकी बी की फॉर्म गिवन है। इसी के बारे में हम जानते हैं कि जब, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट यहाँ से निकल के आया, बात करते हैं सब्जेक्ट क्या हो सकता है और किसी भी गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो देखो, हमने यहाँ जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, क्या होता है? नाउन, और या फिर क्या हो सकता है? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन होता है किसी पर्सन प्लेस थिंग या फीलिंग का नेम। बात करें नाउन इक्विवेलेंट की तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में नाउन नहीं दिखते, ठीक है, दिखने में तो नाउन नहीं दिखते लेकिन उनका जो फंक्शन होता है, उस वर्ड का जो फंक्शन है वो नाउन की तरह ही होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कहें ए लाफिंग बॉय, ठीक है, ए लाफिंग बॉय। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखा कि हमने यहाँ पे एक लाफिंग वर्ड आया है, हंसता हुआ, और बॉय हुआ हमारा नाउन। लेकिन ये सारे वर्ड्स मिलकर, ठीक है, इन सारे वर्ड्स ने मिलकर ही नाउन का काम किया है, सब्जेक्ट का काम किया है, तो इन सब को मिलाकर हम कहते हैं क्या? नाउन इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो होता है या तो वो नाउन रहेगा और या फिर नाउन इक्विवेलेंट रहेगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। बात करें प्रेडिकेट की, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने जाना कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर ही सेंटेंस बनता है, तो जो हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाती हैं ये होता है हमारा प्रेडिकेट। मीन्स प्रेडिकेट में होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक हमने पढ़ा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। हमने पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, अब उस सेंटेंस की भी तो कोई टाइप बनती है,
ठीक है। जहाँ बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ एक स्टेटमेंट बताते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं किसी की बात जो हम कहते हैं वो स्टेटमेंट हुई, ठीक है। उसी के आधार पर इसके दो रूप हुए, दो टाइप्स हुई, एक रहेगा नेगेटिव और एक रहेगा एफर्मेटिव, ठीक है। यानी कि एक रहेगा पॉजिटिव, एक रहेगा नेगेटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। मेन बात जो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है वो इस बात पे डिपेंड करना है कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें कैसे। तो किसी भी वाक्य में जब भी हमें किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है तो अपने आप में दो क्वेश्चन अराइज करने पड़ते हैं। एक होता है व्हाट और सेकंड होता है हु। व्हाट मीन्स क्या और हु मीन्स कौन। देखिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल है ही वॉज ए रिच मैन, तो क्वेश्चन अराइज किया कि हु वॉज ए रिच मैन। आंसर आया हमारा ही। आंसर क्या आया? ही। अब ही दिखने में तो प्रोनाउन है और इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है और या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो नाउन इक्विवेलेंट की जो जड़ है, जो बेस है, वो बिल्कुल नाउन ही होता है, ठीक है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि हम ग्रामर को सीखेंगे लेकिन रट्टा मार के नहीं, उसको समझ के। रट्टा कितना मार सकते हैं, कितने रूल याद कर सकते हैं, भूल जाएंगे। देखो, ही वॉज ए रिच मैन, ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। लेकिन प्रोनाउन निकला किससे है? नाउन से ही तो निकला है। प्रोनाउन बना किससे है? नाउन से। तो ये क्या हुआ? अपने आप में नाउन हुआ, ठीक है। तो ही हमारा आंसर रहेगा कि ही तो हमारा है सब्जेक्ट और वॉज है वर्ब और ए रिच मैन सारा का सारा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे हमने जाना कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? देखो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, आपके पास पेन जरूर रहेगा। सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी लाइन आती है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे? सबसे पहले उसकी पहचान कर लो कि उसमें वर्ब कहाँ है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सब्जेक्ट की भी ऐसे ही कर लो। तो कैसे? अगला हमारा एग्जाम्पल है द मैन विद ए हैट ओन हैड हेल्प्स अदर, कि एक ऐसा आदमी जिसके सिर पे क्या है, जिसके हेड पे एक हैट है और वो दूसरों की मदद करता है। वेरी सिंपल। अब इसमें एक वर्ड का तो कोई भी जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चन अराइज करेंगे हु हेल्प्स अदर, ठीक है, कि दूसरों की मदद कौन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें डू या डज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे। कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया हु हेल्प्स अदर और आंसर आया द मैन विद ए हैट ऑन हेड, कि एक ऐसा आदमी जिसके सिर पे हैट है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। पूरा का पूरा सेंटेंस आपका यहाँ हेल्प से पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब जानते हैं कि सब्जेक्ट के दो रूप हो जाया करते हैं, ठीक है। कैसे? अगर सेंटेंस आपको सिर्फ एक वर्ड दिखाई देता है तो वो आपका, यानी कि कंप्लीट एक नाउन दिखाई देता है तो वो आपका होता है कंप्लीट, यानी कि सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा, अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई देता है मोर देन नाउन, ठीक है, नाउन से ज़्यादा वर्ड्स उसमें गिवन है, उसके बारे में जोड़ रखे हैं, तो उनको बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। और इसी एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट को एक और भी नाम दिया गया है, वो होता है एडजंक्ट। क्या होता है बच्चे? एडजंक्ट होता है। और ये एडजंक्ट ना केवल सब्जेक्ट का बल्कि ये ऑब्जेक्ट का भी होता है, वो जानेंगे जब हम ऑब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि ये तो बात हुई सिंपल, ठीक है, इसको तो करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से सब कर लेते हैं। जब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो एक रट्टा मार दिया जाता है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आए तो उसका सब्जेक्ट यू रहता है। क्या रहता है उसका सब्जेक्ट? यू। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। आइए जानते हैं कैसे। एग्जाम्पल है क्लोज डोर, कि डोर क्लोज करो। एक दूसरी बात और भी है कि यू ही क्यों होता है, इसका भी तो कोई रीज़न होगा, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं पर्सन के बारे में, जब हम पढ़ते हैं
पर्सन के बारे में। पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में हम जानते हैं कि जो स्पीकर होता है, अगर बोलने वाला एक है तो आई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जो बहुत सारे बोलते हैं। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर रहता है, जो उस बात को सुनता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है सेकंड पर्सन, चाहे उसमें कोई भी हो। अब सुनेगा कौन, जो लिसनर होगा, जो सेकंड पर्सन होगा, तभी तो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में यू आता है। और वही वो रीज़न है मेरे दोस्तों कि कहा जाता है कि इंपेरेटिव में सेकंड पर्सन यू ही लगाया जाता है। तो बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, तो ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, क्लोज द डोर, क्लोज क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द डोर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें सब्जेक्ट तो दिखाई दे ही नहीं रहा, ठीक है, तो यही वो कारण है कि हम यू को यहाँ कंसिडर करेंगे, क्योंकि किसी ने तो कहा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि क्लोज द डोर, कब कहूँगी, जब कोई सुनने वाला होगा, तो सुनने वाला चाहे कोई भी हो, सुनने वाला चाहे कोई मेरा फैमिली मेम्बर है, ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल में से है, छोटे बच्चे हैं, बड़ा है, कोई भी है, लेकिन मैं क्या कहूँगी, चाहे कोई अननोन पर्सन है। अब जो सुनने वाला है वही होता है हमारा सेकंड पर्सन, और वही होता है यू की कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा यू, इसका सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में एक दूसरे तरीके से दिया जाए, कैसे, कि अगर आपको एग्ज़ाम में दे रखा है माई फादर, मेरे पिता ने कहा, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल वाक्य ना होकर, चाहे वो आपका वॉइस में गिवन है, चाहे वो आपका नरेशन में गिवन है, चाहे वो आपका क्वेश्चनिंग फॉर्म में गिवन है, चाहे वो आपका एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है, जो हम आगे पढ़ने वाले इसी वीडियो में, ठीक है, तो सबको सबसे पहले हमें सिंपल बनाना होता है, समझ गए, यानी कि उन्हें या तो हम सिंपल तरीके से डायरेक्ट समझ लें, या फिर उनको सिंपल बना लें। जिन बच्चों का थोड़ा सा कमज़ोर रहता है ग्रामर, वो इसका पहले सिंपल बनाएंगे, क्या कहेंगे, माई फादर, ठीक है, सेड, किसको कहा, अब कहने वाला तो यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अब गिवन नहीं है। अब यहाँ पे माय फादर की मर्ज़ी है कि वो ही को बोले, सी को बोले, यू को बोले, किसी को भी, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। तो ये बच्चे बिल्कुल इस बात पे रट्टा ना मारे कि अगर क्लोज द डोर डायरेक्ट दिया है तो वहाँ पर सिर्फ यू होगा। ऐसे केस में जहाँ पर बाहर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब गिवन होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट वाक्य का रहेगा। हम अगर यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं कि किसने कहा, हु सेड, ये हमारी वर्ब रही, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हु सेड, किसने कहा कि भाई डोर बंद कर दो, तो आंसर आया माई फादर, मेरे फादर ने कहा, और ये माई फादर ही क्या रहा, सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो, अब एक बात तो हमने समझे कि यू सेकंड पर्सन अंडरस्टूड हो जाता है। अगर आपके सामने वाक्य है लेट हिम गो, लेट हिम गो, अब कुछ बच्चे हिम को देखकर ये मान लेंगे कि यहाँ पर ही या हिम सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में आया है। कौन से केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो लेट हिम गो अगर दे रखा है, ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्टिव केस गिवन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, चाहे वो लेट से शुरू होता हो या नहीं होता हो, तो वहाँ पर भी हमारा यू ही सब्जेक्ट रहता है। क्लियर माई पॉइंट। लेकिन इसी की अपोजिट बात हो जाती है जब हम कहते हैं लेट अस गो। क्या कहते हैं, लेट अस गो। हमने समझा कि अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भले ही है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी। कौन होता है, वी। वी किसको इंक्लूड करता है, स्पीकर को, आई को, और आई के साथ बहुत सारे, मोर देन आई, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो वी में अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शन में आई एंड ही दे रखा तो भी ठीक है, और अगर आई और यू दे रखा है तो भी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनता है, ठीक है, कि वो फिर आप ऑप्शन में देख लेना कि कैसे दे रखा होता है। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं, देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर बी की कोई भी फॉर्म गिवन होती है, ठीक है, उससे पहले आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाया करते थे। कब, जब हमारा सेंटेंस सिंपल होता था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या, अभी हम पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंसेस जो बताते हैं सडन चेंज इन फीलिंग, कि फीलिंग में अचानक से चेंज हो जाए। कैसे, कि व्हाट ए नाइस पर्सन ही इज़,
कि वह कितना नाइस पर्सन है, ऐसे वाक्य जो सिंपल नहीं दे रखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि हम उनको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें। तो जब हम इस वाक्य को सिंपल वाक्य में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो आंसर आएगा ही इज़ ए नाइस पर्सन। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ही इज़ ए नाइस पर्सन। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि नाइस पर्सन कौन है, हु इज़ ए नाइस पर्सन, आंसर इज़ ही। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में गिवन जो ही है, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यही हमारा क्या वर्क करता है, एज ए सब्जेक्ट, और बाकी जो भी रह गया वो सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट। क्योंकि हमने इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बतानी है, सिर्फ सब्जेक्ट, और बाकी जो सेंटेंस रह जाता है वो होता है प्रेडिकेट। आइए देखें, ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ ब्यूटिफुल सी इज़। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल वाक्य में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और वहाँ से हमें फाइंड आउट किया कि जो शी वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी जो रह गई वो सारे के सारे क्या हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा जो है टाइप रहेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि ऐसे सेंटेंस जिनसे पता चलता है कि क्वेश्चनिंग फॉर्म दे रखी है। क्यों? क्योंकि इनके एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन जब भी दिया होता है तो सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करने के दो तरीके होते हैं। कौन सा? कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हुआ करते हैं, एक रहता है हमारा क्लोज एंडेड, एक रहता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और सेकेंड रहता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। सेकेंड क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड वो होता है जहाँ पर आंसर या तो यस में दिया जाता है और या फिर नो में दिया जाता है। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो है उनकी फॉर्मेशन हुआ करती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। और जहाँ पर बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें आंसर देना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है, या फिर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी स्टेटमेंट को बताने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड होता है, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब, और उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो है एज इट इज़ ये आ जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले होगा हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ऐसे जो है सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं क्लोज एंडेड, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा क्या रहा, वर्ब हुआ, इज हुआ, उसके बाद बात करें इज़ दिस योर बुक, तो ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या, तो क्या है, योर बुक, इसमें जो हमारा दिस है यही हमारा एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हु या व्हाट से कोई भी क्वेश्चन गिवन है, कोई भी सेंटेंस गिवन है जिसकी स्टार्टिंग ही हु या व्हाट से होती है, तो हु या व्हाट ही अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे? कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कौन है का आंसर कौन देगा, हु ही तो देगा, तो यहाँ पर हु कौन हो जाएगा, यही अपने आप में क्या है कि सब्जेक्ट रहेगा, हु कौन रहेगा अपने आप में, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ये भी उसी टाइप का सेंटेंस है कि जिसमें हु या व्हाट ऑलरेडी गिवन होता है और वो हु या व्हाट ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाट है ये भी अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और बाकी जो सेंटेंस रहा वो हुआ हमारा प्रेडिकेट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि व्हाट गिवन है तो व्हाट ही रहेगा। आइए देखते हैं कैसे, कि क्वेश्चन आया व्हाट डू यू लाइक, ठीक है, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तो पसंद करने का काम किसने किया, पसंद किसकी पूछी गई है, पसंद पूछी गई है यू की, ठीक है, पसंद पूछी गई है यू की। अब इससे ऊपर वाला सेंटेंस अगर हम फिर से देखें, व्हाट इज यूअर नेम, नेम किसका पूछा गया है, यूअर नेम, यूअर नेम अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप यूअर को कभी भी एज ए सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में यूअर, यू का ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, और ऑब्जेक्टिव केस कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक करने का काम किसने किया, यू ने किया, तो यू ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और बाकी जो सेंटेंस रह गया वो हुआ प्रेडिकेट।
देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनमें हम किसी के लिए विश करते हैं, ठीक है, कोई अपनी इच्छा दिखाते हैं, कैसे मे ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको एक सिंपल वाक्य बनाएंगे, ठीक है। देखो, जब कोई भी आपको सेंटेंस गिवन है, अगर वो आपको ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में गिवन है तो हमें उसको और सिंपल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्टेटिव है, ठीक है, और या फिर जो है बाकी सेंटेंसेस है, चाहे आपको नरेशन में गिवन है, ठीक है, चाहे आपको वॉइस में गिवन हो जाते हैं कभी कभी, और चाहे फिर आपको क्वेश्चनिंग फॉर्म गिवन है या एक्सक्लामेटरी गिवन है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को या तो आप सबसे पहले उसको सेंटेंस फॉर्म में आपको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करें, सिंपल सेंटेंस फॉर्म में चेंज करें, और या फिर आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट व्हाट या हु से आप क्वेश्चन अराइज करें और उसके आंसर निकालें। देखिए कैसे, कि मे ही लिव लॉन्ग। अब लिव लॉन्ग करने का काम कौन, किसके लिए कहा गया है, ही का। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, और या फिर अगर आपको डायरेक्ट निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करें। कैसे, कि ही मे लिव लॉन्ग, और लास्ट में रहेगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारा ही है वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लिव लॉन्ग करने का काम किसने किया, किसके लिए है, ही के लिए, तो ही रहेगा सब्जेक्ट, और बाकी जो हमारे वर्ड्स बच गए वो सारे के सारे रहेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, मे यू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यू मे पास द एग्ज़ाम, ये हमारा सिंपल वाक्य हुआ। तो इसमें से हमने पता लगाया कि यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट रहेगा और बाकी क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं वॉइस का। ये बिल्कुल आज का एकदम कहते हैं कि आज टाइम में इसी में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वॉइस में से। ऐसा क्यों, कि वॉइस भाई दो टाइप की हुआ करती है, हम सब जानते हैं, एक रहता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इस बारे में देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। जहाँ बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस वो होती है जहाँ पर सब्जेक्ट, जहाँ पर डूअर या एजेंट एक्टिव होता है। पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया गया है, जो वर्क डन है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो पैसिव वॉइस रहती है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाया करता है, ठीक है, कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सब्जेक्ट ही हमारे वाक्य का मेन सब्जेक्ट है या नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन आया, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ, सिंपल सा वाक्य है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हमें वॉइस फाइंड आउट करनी होती है तो हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट, और यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई ये वॉइस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, चाहे आपकी इज एम आर वाज या कुछ भी है, उनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो वो पैसिव वॉइस है, और अगर आपको टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म गिवन है तो एक्टिव रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, आई हेल्प हिम, हेल्प रहा हमारा वर्ब और हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्प किसने की, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हु, तो हु का आंसर मिला हमें आई से, तो आई हमारा रहा सब्जेक्ट और बाकी जो सेंटेंस रह गया वो हुआ प्रेडिकेट। अब आगे बात करते हैं, ही वॉज हेल्प बाई मे, हालांकि ये इसी का जो है वॉइस फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे ही आपको डायरेक्ट मिलेगा जब भी क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो कि ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। अब यहाँ पर अगर एक नज़र डालें तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाया करते हैं कि वॉज अगर गिवन है, अगर बी की कोई भी फॉर्म गिवन है और उससे पहले जो भी वर्ड आया है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ही सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्प करने का काम किसने किया, ही ने तो नहीं किया। हेल्प कैसी हुई, बाई मी, किसके द्वारा, बाई मी। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मी रहेगा, मी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और बाकी जो सेंटेंस रह गया वो सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है, वो सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। इसके बाद एक और भी रहता है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एडवर्ब से हमारा जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है,
कैसे, हेयर कम्स द बस। और इसी को ये कहा जाता है रूल कि कई बार सेंटेंसेस हेयर या देयर से शुरू होती, यानी कि हेयर या देयर से शुरू होने वाले। कैसे कि हेयर कम्स द बस, आने का काम कौन करता है भाई, किसने किया, द बस ने। तो बस, द बस हमारा हुआ सब्जेक्ट, और बाकी जो रहा वो हुआ हमारा प्रेडिकेट। क्या हुआ, प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव फॉर्म में भी गिवन होता है। कैसे, नोट ए सिंगल स्टोरी डज ही टेल, नोट ए सिंगल स्टोरी डज ही टेल। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही समझेंगे कि स्टोरी टेल करने का काम किसने किया, स्टोरी टेल करने का काम किसने किया, ही ने किया। तो ही हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स रह गए, जो भी बाकी सेंटेंस रह गया, वो हुआ क्या, प्रेडिकेट। एक नज़र डालते हैं मिक्स सेंटेंसेस में। कैसे कि सब्जेक्ट को जब भी फाइंड आउट करेंगे तो क्या क्वेश्चनराइज करेंगे, या तो हम वर्ड का क्वेश्चनराइज करते हैं, और या फिर क्वेश्चनराइज करते हैं हु का, ठीक है। और प्रेडिकेट को हम जानते ही हैं कि प्रेडिकेट क्या हो गया, कि भाई वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट बनता है, क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ तीन ही चीज़ें रहती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। क्वेश्चनराइज करेंगे हु से, कि हु वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, आंसर आया क्या, विलियम शेक्सपियर। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का रहा प्रेडिकेट। क्लियर है। सेकेंड वन इज माई ब्रदर रीड्स दिस बुक अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन अराइज करते हैं हु, ठीक है, कि कौन पढ़ता है, हु रीड्स द बुक अगेन एंड अगेन। आवर आंसर इज माई ब्रदर। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ, और बाकी का क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्लियर है। देखो अब तक का जो भी हमने पढ़ा है, दो जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इनमें डायरेक्ट जो है नाउन गिवन था, लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस है जिसमें नाउन डायरेक्ट गिवन नहीं है। कैसे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जो रिच है कि किसको हेल्प करनी चाहिए पुअर की, तो द रिच हमारा आंसर आया, उसी के बेस पर द रिच हुआ हमारा सब्जेक्ट, और बाकी रहा हमारा प्रेडिकेट। अब कुछ एक के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि द रिच को हम नाउन कैसे समझें। तो द रिच को जब हम कंप्लीट फॉर्मेशन में लिखते हैं तो ये होता है द रिच पीपल। क्या होता है, द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पीपल हुआ और पीपल के ही मीनिंग में ऐड हुआ द रिच कह के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हुई। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन अराइज हुआ कि वट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, आंसर आया वॉकिंग, और वॉकिंग को ही देखकर कुछ एक का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखा है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी नहीं देखा है। तो वर्ड का, वर्ड की जो पहचान है वो उसकी स्पेलिंग पे कभी ना जाएं, ठीक है, वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, क्या उसका फंक्शन है, तो उसी पर उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर हुआ है कि व्हाट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, अगर क्वेश्चन अराइज करें तो आंसर आता है वॉकिंग। तो वॉकिंग हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और बाकी रहा प्रेडिकेट। वॉकिंग का जो हम जिक्र करेंगे किस में, जो हम जीरंड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जीरंड है। लेट द बुक्स बी ओपन्ड, लेट द बुक्स बी ओपन्ड, ये आपका पैसिव वॉइस में गिवन है, ठीक है। पहले इसको एक्टिव में चेंज करो कि लेट ओपन द बॉक्स, क्या हो जाएगा, लेट ओपन द बॉक्स, यहाँ से ईडी को हटा देंगे हम, ठीक है। अब बॉक्स को ओपन करने का काम किसको कहा गया है, कहा गया है किसी लिसनर को, लिसनर का हमें पता नहीं है, लिसनर हम ये जानते हैं कि सेकंड पर्सन होता है, उसी के बेस पर यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, यू, क्या रहने वाला है, यू आपका सब्जेक्ट रहेगा, और बाकी जो है वो आपका प्रेडिकेट रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, द चिल्ड्रन शुड हेल्प, शुड बी हेल्प्ड। अब कई बच्चे अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि स्टार्टिंग में द चिल्ड्रन आया है, ठीक है, तो वो ही हमारा सब्जेक्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट किए जाते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वहाँ पर वर्ब किस फॉर्म में यूज़ हुई है। तो यहाँ पर देखो वर्ब आई आई है हमारी थर्ड फॉर्म में, बी हेल्प्ड, ठीक है, सूट के साथ बी हेल्प लगा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका पैसिव वॉइस में गिवन है, ओके। तो इसी के बेस पर हमारा द चिल्ड्रन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि क्या है, इस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा यू, क्योंकि क्वेश्चन अराइज करें कि चिल्ड्रन की हेल्प किसे करनी चाहिए,
तो सब्जेक्ट तो आया नहीं, किसे करने चाहिए जो वहाँ पे बात सुन रहा है, ये यू शुड हेल्प द चिल्ड्रन। आगे बात करते हैं, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग। तो देखो ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें एक रूल बता दिया जाता है बुक्स में कि जब कभी भी आपको ऑफ दिखाई दे, जब कभी भी आपको ऑफ दिखाई देता है और उससे पहले भी अगर आपको नाउन दिखाई दे और बाद में भी आपको नाउन दिखाई दे, ठीक है, तो रूल ये कहता है कि ऑफ से पहले वाला जो नाउन आया है वो आपका रियल सब्जेक्ट होता है, जबकि इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, ना ये कोई रूल है, कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल दिया गया है द पीपल ऑफ दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग, इस गांव के लोग हार्ड वर्किंग हैं। हम क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हार्ड वर्किंग कौन है, तो हमारा आंसर आएगा द पीपल ऑफ दिस विलेज। अगर ये पूरा का पूरा वाक्य आपको मिलता है तो भी सही है, और अगर आपको सब्जेक्ट सिर्फ नाउन गिवन करना है, नाउन का ही बताना है, तो आप करेंगे द पीपल। क्यों? क्योंकि बाकी जो है वो द पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए ही दिया गया है, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इज दैट योर हाउस, क्या वह तुम्हारा घर है। ये आपका जो है क्वेश्चनिंग फॉर्म में गिवन है, तो पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे, कैसे, कि दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस, तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट और बाकी जो जितने भी वर्ड्स बच गए वो होंगे हमारे क्या, प्रेडिकेट, ठीक है। इसे आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे, व्हाट ही डज इज डिफिकल्ट टू नो। क्वेश्चन राइज करेंगे, व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो, तो आंसर हमारा बनता है कि व्हाट ही डज, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, आंसर क्या बनता है कि व्हाट ही डज, ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट हुआ और बाकी जो रहा वो हुआ हमारा क्या, प्रेडिकेट। नेक्स्ट वन इज द लार्ज ग्रीन क्रिसमस ट्री वॉज डेकोरेटेड विद लाइट। क्वेश्चन राइज करेंगे कि व्हाट वॉज डेकोरेटेड विद लाइट, तो आंसर आया द लार्ज ग्रीन क्रिसमस ट्री, तो ये सारा का सारा रहा हमारा सब्जेक्ट और बाकी क्या हुआ हमारा, प्रेडिकेट, ठीक है। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस आप वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।